রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে যায় এবং ভারতবর্ষে 2014 সালের পর থেকে একটা বিষয় খুব সামনের দিকে আসছে যে সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের সময় দেশে সংখ্যালঘু বর্গ একটা অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে তারা শিকার হচ্ছেন। এই নিয়ে দীর্ঘ বিবাদ চলছে, বিবাদ বিষম্বাদের মধ্যে দিয়ে দাঁড়িয়ে আমরা 2022 সালের একেবারে জানুয়ারির শুরুর দিকে আমরা রয়েছি। এই সময় জামাত ইসলামিক হিন্দের যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি সৈয়দ সাদাত হোসেইনি, তিনি আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন। হোসেইনি সাহেব, আপকো স্বাগত করতা হু আর প্লাস স্টুডিও মে। দেশ মে অভি জো মাহল চল রহা হ্যায়, ও জো এক তেজ ধ্রুবীকরণ কি মাহল চল রহা হ্যায়, ইসকে আসর হাম লোগ দেখা হ্যায় কি ইলেকশন 2019 মে ভারতীয় জনতা পার্টি কো বহুত ভারী বহুমত মিলা হ্যায়। ইসকে বাদ জো লাগাতার উন লোগো কো জো কোশিশ হ্যায়, ইয়ে কোশিশ কে বারে মে আপ ক্যা কহেঙ্গে? ইয়ে বহুত হি ডেঞ্জারাস ট্রেন্ড হ্যায় জো হামারে মুলক মে চল রহা হ্যায়। অর পলিটিক্স का जो मेन टूल है वो पोलराइजेशन बन गया है, और कई पार्टियों ने ये समझ लिया है कि सोसाइटी को पोलराइज करके और आपस में नफरत पैदा करके ही इलेक्शन जीता जा सकता है, और बदकिस्मती से उनको कामयाबी भी मिल रही है। तो जाहिर है कि ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, और इस पर पूरे मुल्क के लोगों को मुत्तहिद होकर इस सिचुएशन का मुकाबला करने की ज़रूरत है। अगर मुकाबला ना किया जाए तो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और उससे आगे बढ़कर मुल्क का इत्तेहाद और जो सोसाइटी का बेसिक फैब्रिक है उसको थ्रेट लाहक है। तो इन हालात में सबको मिलकर इस थ्रेट का मुकाबला करने की जरूरत है। উনি বলছেন যে হোসেইনি সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে গোটা দেশ জুড়ে যে এমন একটা পরিস্থিতি যে এখানে একেবারে পোলারাইজেশন, অর্থাৎ একেবারেই হচ্ছে পোলারাইজেশন করে হচ্ছে ভোটের রাজনৈতিক ফায়দা এবং তাদের দেশের যে ফেব্রিকটা সেটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং ভারতবর্ষের যে সংবিধান সেই সংবিধানও আক্রান্ত হচ্ছে। সবকো লেকার মতলব আপ ক্যা কহনা চাহতে হ্যায়? জি, তো হাম জো কোশিশ কর রহে হ্যায় ইসমে, হাম সমঝতে হ্যায় কি সির্ফ পলিটিক্স তক কোশিশ কো মহদুদ রাখনা কাফি নাহি হ্যায়, বলকি এক এক বড়ি সোশ্যাল মুভমেন্ট কি জরুরত হ্যায় কি সমাজ মে লোগোঁ কে অন্দর বেদারি লাই যায়, क्योंकि नफरतें समाज में पैदा की गई हैं, दूरियां समाज में पैदा की जा रही हैं। तो जब तक समाज में लोगों को एक दूसरे से करीब नहीं लाया जाएगा, डायलॉग की फिज़ा नहीं होगी, कम्युनिकेशन की फिज़ा नहीं होगी, हेल्दी डिस्कशन की फिज़ा नहीं होगी, उस वक्त तक इस मसले को सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर मुकाबला करके काबू नहीं पाया जा सकता। तो हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान डायलॉग हो, हर लेवल पर हो, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में हो, आम पब्लिक के बीच में हो, छोटी कॉलोनी के लेवल पर, विलेज के लेवल पर हो, धार्मिक नेताओं के बीच में हो, और औरतों में हो, लेडीज में हो, नौजवानों में हो, तो हर लेवल पर डायलॉग को प्रमोट किया जाए और समाज में जो नफरत फैल रही है उसको बिल्कुल निचली सतह पर जाकर लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन बढ़ाकर इसका मुकाबला करने की कोशिश की जाए। हम समझते हैं कि इसकी बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने की ज़रूरत है, और उसके लिए समाज के जिम्मेदार लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को आगे आने की जरूरत है, ये मुहिम हर लेवल पर टेकअप करने की जरूरत है। एक तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में है लगभग 7 साल बीत चुका है सरकार को, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में और एक गवर्नमेंट है। 2021 साल में एक चुनाव हुआ था जिस चुनाव में 8 दफा चुनाव में ममता बनर्जी ने एक बड़ा जय हासिल किया, एक बड़ा विजय हासिल किया, तो उनको बारे में एक कहावत है भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ये आरोप करती है जे उन्होंने इस्लाम मुस्लिम को तुष्टीकरण करते, तो आपका क्या राय है? बहरहाल ये तो इन लोगों के स्लोगन्स हैं, स्लोगन्स के क्या मीनिंग है ये तो ये खुद भी अभी तक वाजे कर नहीं पाए हैं, क्लियर नहीं कर पाए हैं। जाहिर है अगर अपीजमेंट होता तो मुसलमान इतने बैकवर्ड नहीं होते, मुल्क में आज मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है और उनकी बैकवर्डनेस बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बराबर बढ़ती जा रही है, हर फ्रंट पर बैकवर्ड होते जा रहे हैं। तो अपीजमेंट का क्या मतलब है ये तो उन्हीं से, बीजेपी के लोगों से ही पूछना चाहिए, एक अनक्लियर टर्म है, और इसी तरह टर्म्स के जरिए खेलना यही उनका तरीका है। तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इंसाफ से काम लेना चाहिए, जस्टिस से काम लेना चाहिए,
अनड्यू एडवांटेज किसी को भी नहीं देना चाहिए, माइनॉरिटीज को भी नहीं देना चाहिए, मेजॉरिटी को भी नहीं देना चाहिए, बल्कि ये फर्क भी नहीं होना चाहिए, सारे सिटीजन्स बराबर हैं, सबके साथ एकसान ट्रीटमेंट करना चाहिए। अलबत्ता जो तरक्की के दौर में पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने की भी कोशिश होनी चाहिए। तो वो अपीजमेंट नहीं है, अगर कोई तरक्की के दौर में पीछे रह गया है, चाहे वो एससीज हों, एसटीज हों, माइनॉरिटीज हों, जो भी हों, तो उनको आगे लाने की कोशिश, ये किसी का अपीजमेंट आगे लाने के लिए जो सरकार ने उन लोगों के लिए जो संरक्षण आरक्षण नीति जो अपनाया है, इसको लेकर, ये मुद्दे के लेकर बहुत ही बहस होता है, कभी कभी बीच बीच में आते हैं, तो आपका क्या रहा है जमात इस्लामिक हिंद के सभापति होने के नाते? हम समझते हैं कि जरूरी है, क्योंकि कई सौ सालों से उनको पीछा रखा गया है, बैकवर्ड रखा गया है, तो ये कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स का डिफिसिट है जिसको पूरा करना है। तो उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन ये पूरी दुनिया में एक रिकॉग्नाइज्ड टूल है जिसके जरिए आप बैकवर्ड कम्युनिटीज को ऊपर उठाते हैं। तो ये जरूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, दिस इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ये मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, कि आप जो है इन लोगों को ऊपर उठाने और बराबरी का हक दिलाने के लिए सिर्फ रिजर्वेशन देते हैं, ये काफी नहीं है, और भी बहुत सारे मेजर की जरूरत है। सबसे बढ़कर डिग्निटी और इक्वल स्टेटस ये दिलाने की जरूरत है, तो उसके लिए और भी बहुत से कामों की जरूरत है, लेकिन बहरहाल रिजर्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके जरिए आप लोगों को ऊपर लाते हैं। हुसैनी साहब, आप आज कलकत्ता में है, आप एक जलूस का संबोधित भी किया है, पश्चिम बंगाल के माहौल के बारे में आप क्या कहेंगे? ओवरऑल तो मुझे बहुत खुशी होती है, खासतौर पर जो कम्युनल एटमॉस्फेयर है, जिस तरह मुल्क के अक्सर इलाकों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है, तो वेस्ट बंगाल अभी भी उससे काफ़ी हद तक बचा हुआ है, और उसका एक बड़ा रीज़न मैं समझता हूँ कि यहाँ हमेशा से जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हैं वो बहुत स्ट्रांग रही हैं, ट्रेडिशंस, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस बहुत स्ट्रांग रहे हैं, तो उसका नतीजा हो सकता है, उसका रिजल्ट हो सकता है कि यहाँ अभी भी कम्युनल पोलराइजेशन की वो फिजा नहीं है जो मुल्क के दीगर इलाकों में पाई जाती है। तो इसको देखकर बहुत खुशी होती है, मुसर्रत होती है। अलबत्ता डेवलपमेंट में और ख़ास तौर पर जो कमज़ोर तबकात हैं उनको डेवलप करने में अभी भी बहुत कुछ यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे ख़ास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटी का ही मैं मामला ले लूँ अगर, तो वेस्ट बंगाल के मुसलमान, या ये न सिर्फ ये कि आम लोगों से पीछे हैं बल्कि दूसरे स्टेट की मुस्लिम कम्युनिटी से भी काफ़ी पीछे हैं, एजुकेशन में, लिटरेसी में, इकोनॉमिक स्टेटस में, हर मामले में बहुत पीछे हैं, बहुत बैकवर्ड हैं। तो इनको ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खुसूसी स्टेप्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ले रही है बास स्टेप्स, यूनिवर्सिटी के सिलसिले में जो फैसले किए हैं और भी बास फैसले, वो बहुत अच्छे हैं, वेलकम डिसीजंस हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि और भी बहुत सारी कोशिशों की ज़रूरत है। जमात भी कोशिश कर रही है, हमने भी यहां पे बहुत से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जमात की तरफ से भी, और जमात की जो हम ख्याल इदारे हैं उनकी तरफ से भी, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया है कि खासतौर पे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो हमने तय किया है कि यहाँ ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करेंगे बंगाल में, आसाम में। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी और हमारी जैसी मुख्तलिफ एनजीओस को भी इस पे और ज़्यादा तवज्जो देने। एनजीओ के बारे में आपने सवाल उठाया, अभी 12,000 एनजीओ को सरकार ने उस पर एक भारी पाबंदी लगा दिया, इसमें बहुत सारे एनजीओ है जो धर्म के अनुसार भी चलता है, ऐसे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका मतलब क्या है, क्या सोच रहा है सरकार, आपको क्या राय है? बहरहाल अभी इस मामले की स्टडी करना बाकी है, क्या रीजंस उन्होंने दिए हैं और उनका क्या जवाब है, तो उस पर मैं कोई डिटेल कॉमेंट तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन ओवरऑल जो अभी तक इस गवर्नमेंट का तरीका रहा है खासतौर पर एनजीओस को लेके और माइनॉरिटी एनजीओस को लेके, तो उसके हवाले से तशवीश तो होती है कि हो सकता है कि उसी तरीके के कंटिन्यूएशन में यह स्टेप भी लिया गया हो। तो अगर ऐसा है तो जाहिर है कि यह सही नहीं है और इसकी मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ओवरऑल कॉमेंट तो मैं पूरे इस केस को पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद ही कर सकूंगा। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही शुक्रिया। हमने सुन लिया महत्वपूर्ण दौरे जमात इस्लामिक हिंदर सर्वभारतीय जिन सभापति कलकाता एसे छिलें तादेर संगठनेर बक्तव्य रखार जन्य स्पष्ट भावे तिनी बोलें जे ए राज्य अनेकटा पिछिए रयेछे एबं गोटा देश जुड़े एमन एकटा परिस्थितिके तैरी करा जाय जारा पिछिए रयेछेन तादेरके जाते सामनेर दिके निये आसा जाय, ना होले एमन एकटा प्रेसार तैरी होच्छे गोटा देश जुड़े जे जेखाने जारा संख्यालघु एबं पिछिए थाका मानुष तादेर मध्ये किन्तु एकटा बड़ो रकमेर एकटा अस्थिरता एबं द्रुत तैरी होच्छे। দেখা যাক পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, আমরা এই বিষয়গুলোকে নিয়ে
लगातार आमरा ए विषयगुलो के चर्चार मध्य रखी आजो ठीक तेमनी भावे आमरा आपनादेर काछे तुले धरलाम एकजन सर्वभारतीय नेतृत्वेर बक्तव्य।